नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज तुलसी से संबंधित कुछ जरूरी नियम जानेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और इनकी देवी के समान पूजा की जाती है। लेकिन तुलसी का पौधा घर में लगाना है या घर में लगा है तो वास्तु और ज्योतिष में बताए गए तुलसी के कुछ मुख्य नियमों के बारे में जानना आवश्यक है, तो आज आपके साथ चर्चा करेंगे तुलसी से जुड़े वास्तु और ज्योतिष के नियमों की। तो आइए जानते हैं तुलसी का पौधा लगाने का सही समय क्या होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और कहा जाता है यदि आप घर में तुलसी का एक पौधा लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो घर में देवी लक्ष्मी भी आती हैं और घर में वास करती हैं। आइए जान लेते हैं घर में तुलसी का पौधा लगाने के वास्तु के नियम क्या हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे हमेशा घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। घर की खिड़की या छत बालकनी पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे गलती से भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ये दिशा पितरों की होती है और अगर आप यहाँ तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तुलसी के पौधे को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य स्थान पर जहां कूड़ा करकट रखा जाता है या चप्पलें निकाली जाती हैं वहां कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को सिंदूर चढ़ाने को लेकर बहुत भ्रम होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में रखें, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग कदापि न करें। हो सके तो तुलसी के बर्तन में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखें। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। लगाने के साथ ही आइए जान लेते हैं तुलसी पूजा के वास्तु नियम क्या हैं। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी एकादशी रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आप पूजा कक्ष की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो जल चढ़ाते समय तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा करें। आपको पहले सूर्य को जल और फिर तुलसी को जल चढ़ाना है। तुलसी को जल अर्पित करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, महाप्रसाद जिन सर्व सौभाग्य वर्धिनी
अधिक वैद्य हर नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और तुलसी के पत्तों को आप भगवान कृष्ण के पास 15 दिनों तक रख सकते हैं, और जब पत्ते सूख जाएं तो उन्हें प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। आम तौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन ये मंगल का रंग है और तुलसी बुध का कारक है। बुध और मंगल मित्र नहीं हैं, बुध के अनुकूल ये ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमकीली नीली चुनरी अर्पित करनी चाहिए। आपके घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी 1, 2, 4, 6 में नहीं रखना चाहिए, यानी जोड़े वाले नंबर की तुलसी उतनी नहीं होनी चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी अशुद्ध हाथों या गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से संबंधित वास्तु के नियम लगाने के भी और पूजा के भी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे लाभ अवश्य उठाए हैं। दोस्तों, इस पोस्ट से अब आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना समय निकाला, उसके लिए हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।